राग मालकौंस। राग मालकौंस की उत्पत्ति भैरवी थाट से हुई है। इस राग में गंधार, धैवत और निषाद यानी ग, ध और नी, ये तीनों स्वर कोमल प्रयोग किए जाते हैं। इस राग में ऋषभ और पंचम अर्थात रे और प, ये दोनों स्वर वर्जित हैं, अर्थात इन दोनों स्वरों के प्रयोग इस राग में नहीं होते। इस प्रकार इसके आरोह और अवरोह में पांच पांच स्वरों के प्रयोग होने के कारण इस राग की जाति औड़व औड़व है। इस राग का वादी स्वर मध्यम यानी म है और संवादी स्वर षडज यानी स है। इस राग का गायन समय रात्रि का तीसरा प्रहर है। यह गंभीर प्रकृति का राग है। राग मालकौंस के आरोह, अवरोह और पकड़ इस प्रकार हैं। सबसे पहले सुनिए आरोह। नी सा गा मा धा नी सा। और अब प्रस्तुत है अवरोह। इस राग की पकड़ इस प्रकार है। धानी सा मा गा मा गा सा। अब प्रस्तुत है राग मालकौंस की स्वर मालिका जो तीन ताल मध्य लय में निबद्ध है। इसमें 16 मात्राएं होती हैं। पहले प्रस्तुत है इस राग की स्वर मालिका की स्थाई। सा नी धा नी धा मा गा सा धा नी सा सा मा 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 गा सा नी धा नी अब प्रस्तुत है इस स्वर मालिका का अंतरा। ग म ध नी नी सा सा सा
अभी आपने सुनी राग मालकौंस की स्वर मालिका। अब सुनिए इसी स्वर मालिका पर आधारित एक रचना। बोल हैं, नित भजिए हरि को निज मन से। पहले प्रस्तुत है इसकी स्थाई। नित भजिए हरि को निज मन से, नित भजिए हरि को निज मन से, है विनती हमारी जन जन से, है विनती हमारी जन जन से, नित भजिए हरि को निज मन से, नित भजिए हरि को निज मन। अब प्रस्तुत है इस रचना का अंतरा। मात पिता अभी आपने सुनी राग मालकौंस की स्वर मालिका, साथ ही सुनी इस स्वर मालिका पर आधारित रचना। राग रस बरस I'm gonna get it.